जाटू के इस नेता ने बता दिया रायबरेली में राहुल गांधी कितने मतों से बीजेपी प्रत्याशी को देंगे मां। सुनील सिंह ने राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी इतनी बड़ी चुनौती, बीजेपी में मच गई हलचल। क्या पीएम मोदी सुनील सिंह के चैलेंज को करेंगे स्वीकार? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दो जगहों से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भाजपाई मौज ले रही थी, लेकिन इसी दौरान चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल की कमान थामे जाट नेता सुनील सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी में हलचल मच गई। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के लिए चक्रव्यूह बना रहे थे, जाट नेता सुनील सिंह ने उस चक्रव्यूह से पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को फंसा कर रख दिया। जाट नेता सुनील सिंह ने अपने तर्क की पोटली से तर्क का ऐसा गोला निकाला और बीजेपी की तरफ फेंका। अब विस्फोट हुआ होगा तो भाजपाइयों को समझ नहीं आया होगा, आखिर इसका जवाब अब दें तो आखिर कैसे दें। राहुल गांधी पर नजर तरेड़ने वालों को सुनील ने सीधा और सरल सा चैलेंज दे दिया, एक ही बात कही, दम है तो राहुल के रास्ते पर पीएम मोदी को चलने के लिए कहो। रायबरेली सोनिया जी की सीट रही है, पहले गांधी परिवार की सीट रही है, वहां से भी गांधी परिवार का या कोई भी सदस्य लड़ेगा तो वो सीट जीत के आएगी। अमेठी और रायबरेली ऐसी सीट है कि जहां से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो कम से कम 2 लाख वोटों से जीत के आएगा। इस परिवार का वो वर्चस्व इन दोनों सीटों के ऊपर है। एक जमाने में इंदिरा जी रायबरेली के साथ में ये आपका चिकमंगलूर से चुनाव लड़ती थी साउथ में। उत्तर और दक्षिण को साथ जोड़ के चलने की, देश को आगे साथ लेकर चलने की राजनीति होती है कि कोई नेता उत्तर और दक्षिण से चुनाव साथ में लड़ता है। तो राहुल गांधी जी में वो क्षमता है, राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं कि जहाँ उनकी दादी चिकमंगलूर से लेके और रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। आज वही परंपरा निभाते हुए राहुल गांधी अमेठी के साथ में वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जानिए, एक उत्तर है एक दक्षिण है, और दोनों ही जगह जब कांग्रेस के एक नेता लड़ते हैं चुनाव और कांग्रेस का अच्छा प्रभाव पूरे देश में जाता है, एक अच्छा संदेश जाता है, एक अमन का संदेश जाता है कि कांग्रेस ये नहीं है कि खाली उत्तर भारत की पार्टी है, कि राहुल गांधी खाली उत्तर भारत के हैं। राहुल गांधी दक्षिण में जाकर जब वायनाड से चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं तो दिखाते हैं कि दक्षिण भारत के भी उतने ही साथ हैं जितने उत्तर भारत के साथ हैं। तो आज ऐसा करना देश की एकता को, देश की अखंडता को और देश को आगे बढ़ाने वाली बात है, राहुल गांधी का दोनों जगह से चुनाव लड़ना राहुल गांधी जी का, और ये अच्छी बात है, वही संस्कृति है जो कभी इंदिरा जी ने करी थी, अच्छी चीज है और करनी चाहिए। क्यों नहीं मोदी जी की क्षमता के वो दक्षिण में किसी सीट से लड़के देख लें, अगर उनमें है क्षमता इतनी तो लड़के देखें, उन्हें खुद पता चल जाएगा उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। तो स्वयं मोदी जी जो काम नहीं कर पा रहे वाराणसी आके लड़ाएं भले ही, लेकिन क्यों नहीं दक्षिण में जाके लड़ पा रहे। तो आज देश में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां से 85-80 MP आते हैं, पहले 85 आते थे उत्तराखंड से पहले, आज देश के 80 सांसद देने वाला उत्तर प्रदेश का नेता अगर एक दक्षिण भारत में भी जाकर MP बनता है तो देश को आगे ले जाकर देश को एक साथ जोड़ कर चलने वाला जो प्रयास है राहुल गांधी जी का, अच्छा है, सराहनीय है और इसको होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कैसा कहना चाहूँगा कि पूरे के पूरा कांग्रेस की जो हवा बनी है उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर ले रही है, और अच्छा है कि सेकुलर ताकतें एक साथ मिलकर इस चुनाव को जीतने की जो है जा रही हैं, एक अच्छा प्रयास है। लेकिन लोकदल हर जगह पर, चाहे लोकदल आज पूरे, चाहे पश्चिम में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, प्रयागराज में हो, पूरे प्रदेश में, और खाली प्रदेश में नहीं, हरियाणा में देवीलाल जी हमारे नेता थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नेता थे, आज कहीं ना कहीं लोकदल का नाम और चौधरी चरण सिंह के साथ में जो एक संदेश है वो पूरा लोकदल पूरे सभी राज्यों में देने का प्रयास कर रहा है, और चाहता है कि वो ताकतें जो कभी किसानों की ताकतें जो चौधरी चरण सिंह जिसको साथ लेकर चलते थे, आज वो कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में वो ताकतें जुटी हैं जो कहती हैं कि इस देश में किसानों को बचाना बहुत जरूरी है, इस देश के किसान बचेंगे तभी देश तरक्की करेगा। सुना आपने, सुनील सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो उत्तर भारत से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पीएम मोदी में भी अगर हिम्मत है तो दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। यही नहीं, सुनील सिंह ने ये बता दिया कि रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे।